वहीं लखीसराय में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लखीसराय सदर अस्पताल में 6 डेंगू वार्ड बनाए गए हैं, जिसका निरीक्षण डीसी डॉक्टर राकेश कुमार ने किया है। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के व्यवस्था की जानकारी ली। सिविल सर्जन ने बताया है कि डेंगू के प्रकोप को देखते हुए विभागीय निर्देश पर 6 डेंगू वार्ड बनाए गए हैं। इसके अलावा सदर अस्पताल में 95 डेंगू जांच किट मंगवाया जा रहा है। संभावित मरीजों का पहले इलाज किया जाएगा और उसके बाद जांच में प्रमाणित होने पर उसका बेहतर इलाज किया जाएगा। सदर अस्पताल में डेंगू से बचाव संबंधित बैनर भी लगा दिए गए हैं। लोगों को डेंगू से बचाव को लेकर घर के पास साफ सफाई रखना अनिवार्य है। गंदगी और कई दिनों से जमा हुए पानी से भी डेंगू फैलता है, इसलिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे। डेंगू के लिए हमारे यहाँ एक वार्ड बनाया गया है 6 बेड का, जो डेंगू रोगों के लिए इलाज के लिए जो है उपलब्ध रहेगा। उसमें ऑक्सीजन और कॉन्सेंट्रेटर सहित सभी टोटल ऑक्सीजन का सप्लाई है, तो बेड तक मरीजों की सारा व्यवस्था कर दी है, मरीजों के लिए पूरी व्यवस्था रहेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय कुमार जुड़ गए। अजय, अगर सबसे पहले हम लखीसराय की बात करें तो लखीसराय जिले में अब तक डेंगू मरीजों की क्या स्थिति है, वहां पर डेंगू के कितने मामले अब तक सामने आए? जी हेलो जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है अजय? जी मैं बता दूं कि लखीसराय सदर अस्पताल में 6 वार्ड को सुसज्जित कर दिया गया है। यहाँ पर सिविल सर्जन के द्वारा भी निरीक्षण करके सभी को जगहों पर मेडिकल किट भी उपलब्ध करा दी गई है। और लखीसराय जिले में अब तक 6 संदिग्ध डेंगू मरीज मिले हैं और एक की मौत पटना में हो चुकी है। जो जिसकी मौत पटना में हुई है वह बेंगलोर से दुर्गा पूजा के अवसर पर अपने घर आया था और यहाँ जांच में उसे प्राइवेट क्लिनिक में डेंगू पाया गया था। वह सूर्यगढ़ का निवासी था और उसके देखते हुए यहाँ सदर अस्पताल में सभी प्रकार की सुविधा की गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।